देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम मौजूद हैं अमीनाबाद क्षेत्र में, जो कि लखनऊ की मानी जानी मार्केट है, जहां पे भीड़ और हुल्ला हमेशा बना रहता है। यहां पे पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है, बिना मास्क के लोगों का चालान काट रही है। यहां पे एक शख्स है जिनका चालान कटा है। आपको पता है कोरोना की दो लहरें जा चुकी हैं, जो कि काफ़ी घातक थी, और तीसरी लहर जो है उससे भी घातक है, विशेषज्ञों का कहना है। उसके बाद भी आप बिना मास्क के टहल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने आपका चालान करा। जी सर, चालान तो कर दिया सर, हमारा सर मास्क सर है नहीं सर मास्क। तो मास्क आपको अमीनाबाद मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा, और कुछ समाज सेवी हैं जो फ्री में भी बांट रहे हैं अमीनाबाद में ही, आप उनसे लेके मास्क लगाइए, अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं आप? फ्री में तो सर कोई नहीं बांट रहा है, हमको नहीं मिला कहीं फ्री। आपके पास पैसे नहीं है मास्क के? पैसे हैं ना मास्क के, तो आप मास्क क्यों? 10 रुपए के मास्क आते हैं, घर पे आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपना चालान दिखाइए, पहले चालान दिखाइए। ये इनका चालान कटा है। क्या नाम है आपका? सुभाष। तो अगली बार से आप मास्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मास्क। इस कार्रवाई से आपके ऊपर कुछ असर पड़ा है कि नहीं? असर पड़ा है। 100 रुपए बहुत अहमियत रखते हैं, 10 मास्क आ जाते हैं आपके, है ना? तो आप मास्क लगाइएगा, अपनी वजह से आप औरों की भी जान जोखिम में डालेंगे, ठीक है? यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि बिना मास्क टहल रहे हैं। इधर आइए आप, इधर आइए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो कि दोनों लहरों से ज़्यादा घातक होगी, आप बिना मास्क टहल रहे हैं। भाई साहब, हम चलाते स्कूल वैसे हो गए बर्बाद जी, अब कुछ पूछिए ना। हम लोग वैसे ही समझ लीजिए मास्क लगाए या न लगाए अधमरे हो चुके हैं। नहीं तो आपकी वजह से आपका परिवार भी खतरे में आ सकता है। परिवार हमारा भुखमरी कगार पर है, हम क्या बता दें। लॉकडाउन में आपको लग रहा तोड़ के रख दिया है? लॉकडाउन नहीं, जितना पालन हमने किया है स्कूल वालों ने, मैं स्कूल की पीड़ा बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ है हम लोगों को। स्कूल चलाते बहुत प्रॉब्लम में हम। मास्क तो कम से कम लगाइए। आप यहाँ पे यहाँ रहते हैं कि यहाँ शॉपिंग करने आए? हाथ में मेरे पानी की बोतल देख रहे हैं, ये मास्क है। अब बताइए क्या करें, इतना तो मौका दीजिए। मौके के साथ हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है अमीनाबाद, आप वहाँ से, मैं देख रहा था वहाँ से आप आ रहे हैं यहाँ तक, आपने मास्क नहीं लगाया था। पर पानी मिला हुआ कितने कदम पर मिलेगा? हाँ तो लेकिन आपको पानी पीते ही अगर ये ना होता, पानी पीते ही मास्क लगाना चाहिए। अरे भैया आपको देखने लग गए और क्या, बिना मास्क के हम यही स्टोरी भी कर रहे हैं, आप बिना मास्क के हैं। मौका दीजिए, आप भी पानी पीजिए। ठीक है, लेकिन काफी लोग जो है वो मास्क लगाए हैं, लेकिन मास्क को अपनी नाक और गले के नीचे रखे हुए हैं। जैसे आप इनको देखिए, ये अंकल आ रहे हैं, अंकल आप मास्क लगाए हुए हैं लेकिन नीचे क्या फायदा है मास्क का? अरे फायदा तो है नहीं, आपको ना कुछ टेंशन वाली। कोरोना की दोनों दो लहरें जो बीती हैं उससे घातक है तीसरी लहर। कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनज़र हम आपको अमीनाबाद क्षेत्र में लेके आए हैं, जहां पे हमने देखा कि बहुत बेपरवाह लोग घूम रहे हैं और बेफिक्र दिख रहा है प्रशासन, जो कि 10 कदम की दूरी पे रिक्शा स्टैंड है, वहां पे रिक्शा चालक थे और उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। इसमें एक पॉइंट जो है वो प्रशासन जो है पूरी तरह से फंसता नज़र आता है, वो अपने प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए नहीं दिखता। लेकिन इसी के तहत हम आपको अमीनाबाद की दुकानें जो हैं वहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाहेंगे कि क्या है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और इनसे भी हम पूछेंगे कि जब आपके पास ग्राहक आते हैं तो क्या उन पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कराते हैं जी, होता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? अच्छे से हो रहा है। हो रहा है, यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है इन दुकानदार का कहना है, और बगल में भी दुकान है। आइए हम देखते हैं कि उनके पास क्या कोविड प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइन के तहत जो चीज़ें कही गई थी उसका वो पालन करते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये दुकानदार हैं और हम उनके पास जा रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह का क्या है हिसाब देखते हैं। सैनिटाइज़र सामने रखा हुआ है और ग्राहक जो हैं वो हैं दुकान में। आप भाई साहब दुकान के मालिक हैं? जी जी। यहाँ पे क्या को जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और सैनिटाइज़र तो है आपके पास, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? भाई साहब बिल्कुल पालन हो रहा है। कस्टमर दो आते हैं, तीन आते हैं, उसके बाद रोक देते हैं। रोक देते हैं कि बस दो तीन कस्टमर देखे वो ले, फिर दूसरा ग्राहक को बुलाते हैं। तो आप लोग जागरूक भी करते हैं कि तीसरी लहर जो है वो दोनों लहरों से ज्यादा घातक है? बिल्कुल, लोगों को ये कह रहा है कि दूसरी लहर से भी खतरनाक तीसरी लहर है, तो आप अपने आप से कोविड 2 का पालन करिए। ग्राहक आता है तो पहले सैनिटाइज से हाथ पे सैनिटाइजर डालते हैं, फिर कस्टमर को डिस्टेंसिंग करके तब उनको हम खड़ा करके दिखाते हैं। ये पूरा पालन कर रहे हैं, जिसका इनको जो कहना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, और सैनिटाइज़र भी सामने रखा हुआ है, और बगल में भी एक दुकान है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे तो ग्राहक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं दुकानदार हैं, आपके पास सैनिटाइज़र वगैरह है इस वक्त? जी सर, रखा है। जी कहाँ पर रखा है?
ये अच्छा शुरुआत में ही आपने सैनिटाइजर रख रखा है कि लोग आए तो यहाँ पे पहले सैनिटाइज करें फिर उसके बाद अंदर आए। तो एक साथ कितने ग्राहक अंदर आते हैं आपके? सर वन बाई वन, एक पूरा एक को पहले दे देते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट दूसरा चला जाता है उसके बाद आने वाले ग्राहकों को आप सचेत करते हैं कि ये दोनों लहरों से ज़्यादा खतरनाक है जो तीसरी लहर है? थर्ड लेयर के लिए तो उसके लिए पहले ही हम बता देते हैं, और दूसरी बात ये है कि पहले ही हम सैनिटाइज करवा देते हैं आ गई फ्रंट पे। दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है पहली वेव में, दूसरी वेव में भी, थर्ड वेव आने ही वाली है। सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगना है, लॉकडाउन लगना है, इसलिए असर भी पड़ा है लॉकडाउन के बाद जो अब दुकानदारी है उसमें असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है सर, असर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा, दुकानदारी पर भी असर पड़ा है। और थर्ड वेव को लेकर काफ़ी ये चिंताजनक है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगने वाला है। अब देखना ये होगा कि लखनऊ वासी जो हैं जो बेफिक्र नज़र आ रहे हैं, अब प्रशासन कितने मुस्तैदी से इनके कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवाता है जनता से, क्योंकि हमें बिना मास्क के भी लोग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, जो आंटी हैं और जो रिक्शा चालक हैं, देखिए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो बिना मास्क के ही हैं। ये देखिए लोग आ रहे हैं, मास्क लगाए हैं लेकिन मास्क उनका नीचे है, और काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जो बिना मास्क के हैं, बिल्कुल बेफिक्र नज़र आ रहे हैं, और प्रशासन जो है बिल्कुल बेपरवाह है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो केरल और यूपी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि केरल में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, जितने रिकवरी केस थे उससे ज़्यादा अब पॉजिटिव केस पाए गए हैं 24 घंटे में, 40,000 से ज़्यादा केस पाए गए हैं 24 घंटे में, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लापरवाही नज़र आ रही है ये काफ़ी चिंताजनक है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।